गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर ऑफ शरद बी मोरे इंग्लिश हाई स्कूल। इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 5.3 टुडे 5.4 वी हैव कंप्लीटेड। आई विल स्टार्ट नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट दैट इज 5.5। ओके फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 5.38 पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड साइड ऑफ साइड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली। ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड। ओके नाउ व्हाट इज गिवन हियर, ट्राइंगल है उसके 3 मिड पॉइंट्स है। ओके ए बी का मिड पॉइंट एक्स, ए सी का मिड पॉइंट जेड, बी सी का मिड पॉइंट वाई। मेजरमेंट्स ऑफ दीज थ्री साइड्स आर ऑल्सो गिवन टू अस, दैट इज 5, 9 and 11 रिस्पेक्टिवली। ओके वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई, दैट इज दिस वन, वाई जेड एंड एक्स जेड। ओके दीज थ्री लेंथ्स वी हैव टू फाइंड। नाउ व्हाट वी विल डू हियर, as I have already explained you in last lecture, theorem of midpoints of two sides of a triangle. What is the theorem? The segment joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. Means जो segment दो midpoints को join करेगा, likewise you can see here x and y दो midpointers को join करने वाला segment x y है, so that will be exactly parallel to its third sides, that is AC के parallel रहेगा and exactly half of it. Okay means इसका क्या रहेगा, exactly half रहेगा. Now let's see the solution. क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके ओके नाउ लुक हियर, गिवन दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, वेट ओके given that x y and z are the midpoints of side a b b c and c a respectively, right? ए थी जो तीनों भी साइड्स थी ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए बी सी राइट, उसके तीनों भी मिड पॉइंट्स थे x y एंड z. सो आपको फाइंड क्या करना था, एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड की वैल्यूज फाइंड करना था राइट. सो नाउ यू कैन सी हियर बाय मिड पॉइंट थियरम वी कैन अप्लाई हियर द थियरम ऑफ मिड पॉइंट. सो एक्स जेड विल बी हाफ ऑफ बी सी, एक्स जेड रहेगा तो क्या रहेगा एग्जैक्टली बी सी, एक्स जेड रहेगा तो वो क्या रहेगा बी सी का एग्जैक्टली हाफ रहेगा. ओके मीन्स जो भी बी सी का मेजरमेंट है वो उसका हाफ रहेगा. सो नाउ यू कैन सी हियर बी सी इज इक्वल्स टू 11, सो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, एक्स जेड इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन टू, दैट इज 11/2. मीन्स वेन यू विल डिवाइड 11/2 यू विल गेट 5.5. Look here, how 2 5s are 10, 11 minus 10 1. Now 2 cannot 1 cannot be cancelled by 2 right, so here you can add the decimal and increase the zero, so it's 2 5s are 10. Now here you got 5.5 centimeter right, x z ki value mili aapko 5.5 centimeter. similarly एक्स वाई, नाउ एक्स वाई किसके पैरेलल है, साइड ए सी के पैरेलल है राइट. हियर इन द डायग्राम यू कैन सी ए बी सी एक्स वाई सेट, सो नाउ हियर यू कैन सी एक्स वाई इज द पैरेलल साइड टू द ए सी राइट. सो हियर ए सी का हाफ रहेगा एग्जैक्टली, तो ए सी का मेजरमेंट 9 है, सो 9/2, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 9 minus 8 1, add the decimal, increase 0, 2 5s are 10, so here you will get 4.5 centimeter right. Then next last one, x y ke baad next kya bacha, y z right. So now here you can see y z is equals to a b 2 since it's a parallel side to a b. So now measurement of AB is 5 centimeters. So 5 upon 2 is nothing but 2.5. How you will get it? 2 1s are 2, 2 4, 2 2s are 4. Remaining is 1, right? Add the decimal, increase 0, 2 5s are 10. You will get 2.5 centimeter. Okay. Now, next question. Question number 2.
Second question. In figure 5.39, quadrilateral PQRS and quadrilateral MNR are rectangles. Now here it's given कि जो PQRS है, this one, right? ये वाला जो quadrilateral है और ये जो LMNR है, ये दोनों भी क्या है? Rectangle है, तो rectangle की properties हम लोग यहाँ पे use कर सकते हैं, क्योंकि hint given है rectangle है, right? If point M is the midpoint of side PR, point किसका? Point M जो है किसका midpoint है? ये PR का क्या है? Midpoint है, ठीक है? Then prove that SL is equals to LR. आपको proof क्या करना है? SL और LR क्या है? Equal है. ये proof करना है. और आपको ये proof करना है जो LN है, ये वाली side. When you will join point LN and you will get LN. LN is exactly half of SQ. Means ये भी आपको join करना पड़ेगा. Okay? So now let's solve it. Okay, now look here. First, converse of midpoint theorem that we are going to use here in the second question. Okay, midpoint theorem आपको समझा? Converse of midpoint theorem exactly क्या था statement? If a line drawn through a midpoint of one side of a triangle are parallel to the other side, means अगर आप एक midpoint के through क्या करे, एक line join करे जो another side की क्या है, parallel है, here you can see. मिड पॉइंट है, इसके थ्रू आपने एक लाइन ज्वाइन करे जो क्या है, साइड बी सी के क्या है, एग्जैक्टली पैरेलल है. सो टू द अदर साइड, देन इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. वो क्या करेगी? थर्ड साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी. मींस इट विल डिवाइड द थर्ड साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. सो दैट थ्योरम वी कैन यूज हियर, राइट? आप देख सकते हो ये वाली जो साइड है एग्जैक्टली हियर यू कैन सी, राइट? आपको ये वाला थ्योरम यहाँ पे यूज करना है इन इन सेकेंड क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. ओके, नाउ लुक हियर. फर्स्ट आपको डायग्राम में क्या गिवन था? हियर इट्स पी क्यू आर एस and it's L M R N, right? आपको प्रूफ क्या करना है? आपको गिवन है कि जो पॉइंट M है वो क्या है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट है पी आर का. मीन्स यहाँ पे पॉइंट M है ना, तो वो क्या है, पी आर का क्या है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट. और आपको प्रूफ करना है कि एस एल और एल आर क्या है, इक्वल है. आपको प्रूफ क्या करना है? SL और LR क्या है, इक्वल है. सो नाउ यू कैन लुक हियर. गिवन दैट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड PR, राइट? ये PR का जो है मिड पॉइंट है पॉइंट M. सो हियर यू कैन सी PSR, दिस वन PSR, ये वाला एंगल, राइट? एंड MLR हियर, दिस वन MLR. ये दोनों भी 90 डिग्री एंगल रहेंगे, बिकॉज इट्स गिवन दैट बोथ द क्वाड्रिलेटरल आर रेक्टेंगल्स, राइट? सो रेक्टेंगल के ईच एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे. सो हियर यू विल मेंशन द रीजन. सो पी एस आर एम एल आर दोनों भी क्या है? 90 डिग्री. और एम क्या है? मिड पॉइंट है. नाउ लुक, 90 डिग्री है मतलब एग्जैक्टली क्या है? स्ट्रेट लाइन है, राइट? एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है. सो यहाँ पर जब एम, ये मिड पॉइंट है ये पर्टिकुलर लाइन का, राइट? तो यहाँ पर भी वो मिड पॉइंट ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहे ना. एम से पास होने वाली जो लाइन है वो क्या है? 90 डिग्री एंगल फॉर्म करी, मीन्स परपेंडिकुलर लाइन है. सो फ्रॉम वन वे वन एंड टू वी कैन कंक्लूड दैट एल इज द मिड पॉइंट ऑफ एस आर. जो एस आर है उसका भी मिड पॉइंट होगा एल. सो देयरफॉर एल इज द मिड पॉइंट. सो इट विल डिवाइड द एस आर इंटू टू इक्वल पार्ट. सिंस मिड पॉइंट डिवाइड्स इट इंटू द सेगमेंट इंटू द टू इक्वल पार्ट, देयरफॉर एस एल विल बी इक्वल्स टू एल आर. एस एल और एल आर क्या रहेगा? सेम रहेगा. ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट आपने प्रूफ किया. देन नेक्स्ट, नाउ लुक हियर, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू प्रूव? यू हैव टू प्रूव दैट एल एम, दिस वन, राइट? यू हैव टू जॉइन एल एम एंड हियर यू हैव टू जॉइन एस एस क्यू. आपको प्रूफ करना है एल एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एस क्यू. ये आपको प्रूफ करना है. ओके, लाइक okay, means you will join first ln and you will join then sq. So now how you will prove it? Now since angle rnm and angle rqp, they both are of 90 degree, this one rn
एम आर क्यू पी, ये दोनों भी क्या है 90 डिग्री एंगल फॉर्म करें, मीन्स एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन से, परपेंडिकुलर लाइन से, मतलब लाइन क्या है एक दूसरे के एग्जैक्टली पैरेलल है, राइट? सो देयर फॉर द लाइन विल बी पैरेलल, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पैरेलल लाइन्स पे फॉर्म होने वाले एंगल्स भी क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, राइट? नाउ फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड फोर मीन्स दिस वन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे, लाइन क्या है पैरेलल है, सो एन इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, मीन्स जे वाला जो पॉइंट है एन, वो क्या है आर क्यू का क्या है मिड पॉइंट है, वाई सो बिकॉज, देखो ये दोनों क्या है लाइन्स एग्जैक्टली स्ट्रेट है, राइट? सो ये मिड पॉइंट यहाँ से पास हो रहा है, सो ये आर क्यू है, आर क्यू का भी मिड पॉइंट रहेगा एन, राइट? आर क्यू का एग्जैक्टली मिड पॉइंट रहेगा एन, सो देयर फॉर बाय कन्वर्स ऑफ एन इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, सो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपको क्या करना है, अगेन वील यूज द मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ओके? बाय कन्वर्स वी हैव कंक्लूडेड दैट ये वाला जो एल एन है एग्जैक्टली वो क्या रहेगा एस क्यू के पैरल और उसके हाफ रहेगा, एस क्यू के पैरल और उसके हाफ रहेगा, ओके? यही प्रूफ करना था आपको, गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, इन फिगर 5.40 ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, नाउ इट्स गिवन ए बी सी क्या है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पॉइंट एफ डी ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी साइड बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ये पॉइंट्स क्या है एफ डी ई क्या है उसके मिड पॉइंट्स है, ठीक है? शो दैट ट्राइंगल एफ ई डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपको क्या शो करना है कि ट्राइंगल एफ ई डी भी क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो नाउ इट्स वेरी सिंपल, अभी आपको पता है कि ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट एग्जैक्टली इसका क्या रहेगा पैर उसके अपोजिट साइड सेगमेंट के हाफ और पैरेलल रहेगा, राइट? मीन्स एफ डी विल बी पैरेलल टू ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी, राइट? सिमिलरली एफ ई एंड बी सी विल बी पैरेलल एंड बी सी एफ ई विल बी हाफ ऑफ बी सी, राइट? एंड हियर लास्ट वन डी ई विल बी पैरेलल टू ए बी एंड हाफ ऑफ ए बी, नाउ वी नो दैट ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, मीन्स ए बी बी सी एंड डी सी, ए बी ए सी एंड बी सी, ये तीनों क्या है एग्जैक्टली इक्वल साइड्स, राइट? सो देयरफॉर उनका जो एग्जैक्टली हाफ रहेगा हाफ पोर्शन वो भी सिमिलर रहेगा, राइट? सो देयरफॉर ट्राइंगल्स विल ट्राइंगल एफ डी विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, नाउ लेट्स प्रूव दिस थर्ड क्वेश्चन, ओके? फर्स्ट विल ड्रॉ द डायग्राम व्हाट इज गिवन टू अस, triangle A B C and this one is F D E, okay? Now since F D E are the midpoints of side A B C by midpoint theorem, right? We'll use the midpoint theorem here. Since F D and E are midpoints of side A B B C and A C respectively, right? So therefore by midpoint theorem, now what is the theorem? The segment joining the two midpoints of a side is parallel to a third side in half, okay? So therefore F D will be equals to half of ए सी, राइट? एफ डी क्या रहेगा एग्जैक्टली ए सी का हाफ रहेगा, राइट? सो सिमिलरली विल राइट द रिमेनिंग थ्रू रिमेनिंग टू वैल्यूज, एफ डी विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, राइट? देन डी डी विल बी हाफ ऑफ ए बी, राइट? एंड देन FE, FE is equals to half of BC. Now we know all these values. अब आपको ये भी पता है कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है. Since triangle ABC, since triangle ABC is equilateral, we'll use the concept here.
देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, मीन्स तीनों भी साइड क्या है एग्जैक्टली सिमिलर है, तीनों साइड सिमिलर है, मतलब साइड का जो एग्जैक्टली हाफ पोर्शन रहेगा वो भी सिमिलर रहेगा, राइट. Therefore, half of AC is equals to half of AB is equals to half of BC, right? So, आप यहाँ पे लिखोगे. Therefore, half of AC is equals to half of AB is equals to half of BC, right? Now, since right side of this equation similar, right? तो FD, DE, FE तीनों भी क्या रहेंगे? Exactly similar रहेंगे. So, we will write. Therefore, FD is equals to DE is equals to FE. Okay, so therefore, the triangle FDE is an equilateral triangle. Therefore, triangle FDE is an equilateral triangle. Okay, here we have completed the question. Okay, next. कौन सी स्ट्रीम से करना है? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस? साइंस से करना है. बट ना 2 साल गैप हो चुका है. अच्छा, 12th आप साइंस से पास हो चुकी है, लेकिन गैप है 2 साल का. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन. इन फिगर 5.41 सेगमेंट पीडी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर. पॉइंट टी इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट सेगमेंट पीडी प्रोड्यूस्ड. क्यूटी इंटरसेक्ट पीआर एट एम. शो दैट पीएम अपॉन पीआर इज इक्वल्स टू 1/3. आपको क्या प्रूफ करना है? ये जो रेशियो है पीएम और एमआर का, वो आपको रेशियो प्रूफ करना है, दैट इज इक्वल्स टू 1/3. और आपको एक हिंट गिवन है, ड्रॉ डीएन पैरेलल टू क्यूएम, मींस आपको डीएन के पैरेलल क्यूएम ड्रॉ करना है. सो हियर वी हैव डन द कंस्ट्रक्शन पार्ट, राइट. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ पीडी इज द मीडियन ऑफ क्यूआर, राइट. हियर इन डायग्राम आपको गिवन था कि पीडी क्या है, मीडियन है, तो डी क्या रहेगा? मीडियन मीन्स क्या रहेगा? उसका मिड पॉइंट, राइट. आपने क्या करे, डीएन क्या है इज ड्रॉन पैरेलल टू क्यूएम. ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन था, राइट. डीएन क्या है? पैरेलल क्या क्यूएम के. सो हम लोग यहाँ पे कन्वर्स थ्योरम यूज कर सकते हैं, राइट. बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एन इज द मिड पॉइंट ऑफ एम आर. सिमिलरली टी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी डी. सो ये जो लाइन्स रहेगी डीएन और क्यूएम, हम लोग की जो ट्राइंगल लाइन फॉर्म हो रही थी, राइट. सो दैट विल बी parallel, right, by converse of midpoint theorem. M is the midpoint of PN. So now from 1 and 2, here you can conclude sides PM, MN and NR, they both three, they thrice are similar, right. So आपको ratio क्या लेना है? PM upon PR का ratio लेना, right. So very simple, आपको जो ratio लेना है वो आप क्या करोगे, वहाँ पे substitute करोगे values. अब आपको पता है PM, MN और NR ये तीनों भी values similar है. So now अब PR किससे form हुआ है? PR थ्री पार्ट्स में स्प्लिट हुआ था, राइट. आपने डायग्राम में देखे थे पीएम प्लस एमएन प्लस एनआर, ये तीनों को आप जब ऐड करोगे तब आपको पीआर मिलेगा, राइट. डायग्राम में आप देख सकते हो. सो व्हेन यू विल राइट ऑल दिस पीएम प्लस एमएन प्लस एनआर, यू नो पीएम पीएमएन एनआर तीनों भी क्या है, किसके सिमिलर है? एक दूसरे के सिमिलर है, राइट. तो आप इसकी जगह पे पीएम लिख सकते हो. यहाँ पे वन स्टेप और आएगा, राइट. पीएम अपॉन पीआर इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन, यहाँ पे आप पी एम, यहाँ पे एम एन की जगह भी पी एम लिखोगे, एन आर की जगह भी पी एम लिखोगे. सो इट विल बिकम पी एम प्लस पी एम प्लस पी एम, दैट इज पी एम अपॉन 3 PM, राइट. अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा तो क्या रिमेनिंग रहेगा? ओनली 1/3. देयरफॉर आपको यही प्रूफ करना था ना, पी एम अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू 1/3, हैंस द गिवन स्टेटमेंट, ओके, और द गिवन इक्वेशन हैज बीन प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ओके. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस